शराब ठेके को लेकर गांव के लोगों ने धरना लगाया कि आपने यहां गलत जगह दुकान है वो स्थापित की है, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्याएं आएंगी। और तो उसमें सरकार के नियम क्या कहते हैं, और आपने यहां लगाया है तो परमिशन वगैरह ली है कि नहीं ली है, वो तमाम बातें आप बताएं। इसमें ये है भाई साहब, भी जो ये पहले जो ठेका चलता था जमाल गाँव के अंदर, वो गाँव की आबादी के बिल्कुल समीप था। गांव वालों ने कुछ पहले ये कहा भी आप अपना ठेका गांव से कुछ बाहर लेके जाए, तो इसलिए इस बार जो नए टेंडर हुए हैं उसमें हमने ये ठेका एक्साइज पॉलिसी के अनुसार हम गांव से इस ठेके को बाहर लेके आए हैं पॉलिसी को, इससे आम पब्लिक से। तो अब अगर गांव के लोग कहते हैं कि उनको दिक्कत है, तो आप अगर आपको अगर हटाने की बात आती है तो क्या कारण है कि प्रशासनिक बात करें, अधिकारियों की बात करें, उनसे बातचीत हुई होगी आपकी, आपकी कंपनी जो है उससे बातचीत हुई, तो आगे क्या मतलब मनसा है आप? मनसा तो भाई साहब साफ है, देखो गांव तो राम होता है। सब पहली बात तो ये है भी एथोराइज है हमारी हरियाणा सरकार ने, हम रेवेन्यू देते हैं, सब कुछ देते हैं, एक्साइज पॉलिसी के तहत तो इसमें कोई वो नहीं है। और बाकी अगर फिर भी गांव कहता है भी इसको कहीं शिफ्ट करना है और करना है, तो हमारे को कोई जगह दिलाए, पहले हमारे को कोई जगह दिलाए, फिर हम इसको शिफ्ट करने की हमारे ठेकेदारों से बात करेंगे और करेंगे, फिर उसके बारे में आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर मौके की कोई लोकेशन मिलती है अलग तो हटाने के लिए, मतलब कंपनी का भी है, मतलब आप मानते हैं भी हटा लिया जाए? भाई देखो गाँव अगर कहता है और अगर हमारे को कोई बढ़िया लोकेशन मिलती है तो वो ठेकेदारों से राय करके हम जरूर। ये बात आपने विपक्ष सामने जो लोग बैठे उनसे बातचीत की, उनका क्या कहना है? हमने उनको ये भी कहा था, विपक्ष वालों से ये भी बात कही थी, जो भी ग्रामीण बैठे हैं हमारे को इसका कुछ टाइम दिया जाए। देखो ये तो है नहीं भी हम इसको उठा के अगर हम गाड़ी में डालेंगे तो अवैध ही माने जाएंगे, भी हम पहले कोई और जगह देखें, वहाँ मंजूर करवाएं, उसके बाद में ठेका शिफ्ट हो सकता है, परंतु वो एक ही जिद पेड़े हुए अभी नहीं, इसको आज ही बंद करो, तो आज ही बंद करें तो हमारी प्रधान होती है एक्साइज, एक्साइज अगर हमारे को कहेगी या प्रशासन हमारे को कहेगा तो वो बिल्कुल हम उनसे लिखित में लेंगे और हम बंद करने के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद सर, आप हमारे साथ चलो कोई बात नहीं, काउंट हो खड़े हो जाओ कोई बात। बाकी अगर आपको कोई समस्या कर रहा है ना साहब के पास, हम बैठ साहब के साथ बैठ माने बैठ कर माने सिर्फ और ठेको आटो उठवानो है, दोनों पढ़ ले और दोनों पुराओ बैठे को कौन सी जगह थी है, तो दोनों के बीच में खड़ी जगह दूर जाना, बाकी ठेकेदारों की मर्जी है, खरी मर्जी। नहीं हमारी तो क्या है, सरकार ने खुलवा रखे, हमने कौन से वो खुलवा रखे हैं सर? तो आप सरकारी हो सर, साहब ठेके तो सरकार ने दे रखे, हमने थोड़ी ना दे रखे हैं, तो आप सरकारी हो वो तो हमारे के जिस हिसाब से हमने सरकार ने कह रखे इस कानून के तहत काम कर रहे हैं, उसी के तहत कर रखा है। ये पूरे गाँव को आपत्ति है इस बार, आप आओ फिर कल साहब से आके मिलो किसी साहब से, हम ये चाह रहे थे यही आ जाए साहब, एक तो मैं एकलो जाके बात करूं और एक सारे नहीं, आप मुझे आदमी जो भी जाना चाहें आपके कोई वो, या आप सरपंच रहे हो, आप सरपंच हो तो आप आ जाओ, दो चार और आ जाएंगे। चलो देखते हैं बुलाते हैं, कल आ जाओ आप एक बार वापस। चलो समाधान तो चलो जो करने से है वो निकालने से ही निकलता है, कोई ऐसे तो नहीं। दुकान गांव पे चलनी है जी, दुकान तो इसी गांव पे चलनी है, गांव का सग अगर जिद्दी करके अगर कुछ करें पॉसिबल है जिद्दी की, तो वो तो देखो सरपंच साहब आप उस चीज में तो नहीं वो करेंगे जिद्दी, हम तो हमारी पॉलिसी का है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। आपकी पॉलिसी क्या कहती है, इसी से गांव को कोई लेना देना नहीं है, गांव आपकी पॉलिसी पे नहीं चलेगा, गांव का अलग सिस्टम होता है, सामाजिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। यहाँ बस स्टैंड का काम है, पूरे दिन और रात को 12 बजे तक बसें आती हैं, सुबह 4 बजे फिर बसें आनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें हमारी बहन बेटियाँ तो मेरी बात सुनो, आठ ठेकू है और रात को यहाँ बच्चियां भी उतरती हैं, जो जयपुर को सीकर पड़ती हैं वो भी यहाँ से चढ़ती हैं, वो भी यहाँ उतरती हैं, तो मतलब मैं नहीं आके इतनो बड़ो गांव 20,000 की आबादी गांव में बेवकूफ है, जगह सारे गांव की डिमांड है। नहीं हम वो नहीं कह रहे कि वो तो जो साहब जो फैसला करेंगे वो हो जाएगा,
कोई बात नहीं, आप सबको मैसेज दे दो, सबको जो मंजूर है कोई बात नहीं कर देंगे। शनि महाराज को मंदिर, आप शनिवार को मेरी बात सुना के सुनो, आप ये मंदिर है नजदीक, आगे सैटरडे को आना, कितनी भीड़ होती है, ठीक है ना, ये इधर कॉलेज है ना, ये स्कूल है, मैं गांव ऊपर के कोनी हूं, फैसला वो होगा जो गांव चाहेगा, मन के दारू पीनी है, मेरी बात सुनी, मैं तो गाड़ी ली साइड देसी क्रॉस करनी है, गाड़ी ले इन्हें क्रॉस कर दो, जो लोग बस स्टैंड पे करते हैं, बसों में जो लोग करते हैं, उन लोगों की कितनी परेशानी होती है बस स्टैंड पे, वो भाई जी रानी हुए हैं जगदीश, जगदीश को ये पूछना कै बजे तक बस चले भाई जगदीश, ये बात 12:30 लुधियाना जब पहुंच जाएगी, मान गया थारी बात में, बस चल है असवारी उतर के जाएगी, क्या टक्कर बकरियां जकी जयपुर बसा चल जकी चौक सुनो तो सुनो, मैं थाने एक बात बताऊं, गामा की सवारी अठा के चढ़े, वहाँ गामा की सवारी अठाई चढ़े, गांव की सवारी क्या बोलो कि नहीं काम बोले, एक बंदो बोले सारा कौन बोले की तो आपने काम की सवारी तो चल मैं